की पाठशाला। डरावने अंडे की तलाश। आओ मैंगो की मदद करें अंडे इकट्ठे करने में। हाँ मैंगो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे अरे रुको मैंगो, ये क्या है? अरे ये तो भूत है, डरो नहीं मैंगो। बस इन दोनों फोटो में क्या अलग है वो पता करो। चलो मैंगो देखते हैं। अंडा लेने के लिए मैंगो को दोनों के बीच फर्क बताना होगा। ध्यान से देखो मैंगो, क्या तुम्हें कुछ अलग दिखा? हाँ सही पहचाना, इस ट्रे में अंडे नहीं है। शाबाश मैंगो, तुम्हें तुम्हारा पहला बैंगनी अंडा मिल गया और तुम्हारा पहला पड़ाव भी पूरा हुआ। हाँ आगे बढ़ो मैंगो, देखते हैं आगे क्या होगा। रुको मैंगो, एक और पड़ाव। अब यहाँ क्या होने वाला है? ये तो दूसरा भूत है, तो अगला चैलेंज क्या होगा? इसमें छुपी हुई एक चीज ढूंढो। अब मैंगो को नारंगी अंडा ढूंढना होगा। क्या सोच रहे हो मैंगो, ध्यान से देखो, तुम ढूंढ सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, ये रहा नारंगी अंडा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम्हें दूसरा हरा अंडा भी मिल गया और तुम्हारा दूसरा पड़ाव भी पूरा हो गया। तुम तो बहुत समझदार हो मैंगो, चलो अब आगे बढ़ो। देखते हैं हमें आगे क्या मिलने वाला है। रुको मैंगो, देखो यहाँ भी कुछ है। ओह, यह तीसरा नीला भूत। तो अगला चैलेंज क्या है? इस चित्र को पूरा करो। ओह, ये तो एक पहेली है। मैंगो, तुम्हें इसके टुकड़ों को सही जगह लगाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो मैंगो। और ये बस हो गया। ये तो बहुत मजेदार चुनौती थी। वाह, तुम्हें तीसरा नीला अंडा भी मिल गया। शाबाश मैंगो। लगता है तुमने सारे अंडे ढूंढ लिए। हाँ देखो, तुमने तीनों अंडे इकट्ठे कर लिए। ये तुमने कर दिखाया मैंगो। तो आज हमने तीन खेल खेले, फर्क ढूंढना, छुपी हुई चीज को ढूंढना और चित्र को पूरा करते हुए पहेली सुलझाना। उम्मीद है आपको मैंगो के साथ खेलने में मजा आया होगा। वाह देखो घर पर कौन आया है, हमारा प्यारा दोस्त मैंगो। लेकिन घर पर तो कोई नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत सारे फल तो हैं। क्या करने वाले हो मैंगो? नाशपाती। मैंगो ने उठाई एक नाशपाती और अब लिया एक खरबूजा और खरबूजे के कटे हुए टुकड़ों को नाशपाती के पीछे इस तरह से सजा दिया। अरे वाह, ये है अनानास, इन्हें कहाँ लगाओगे? वाह तुम तो काफी समझदार हो मैंगो। अब क्या करने वाले हो? ओह संतरे, इन संतरों को मैंगो लगाएगा अनानास के पीछे। वाह ये है मजेदार तरबूज, इन्हें कैसे लगाओगे? मैंगो तुम्हारे फलों की सजावट तो बहुत सुंदर है, तो क्या ये तैयार हो गया? पर लगता है अभी कुछ कमी है। ये है सेब। हाँ इसमें सेबों की कमी थी, तुमने इन्हें भी लगा दिया तरबूज के पीछे। और ये है मैंगो के पसंदीदा केले। वाह केले देखकर तो मैंगो की खुशी दुगनी हो गई। केलों को भी लगा दिया और ये दूसरी तरफ भी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मैंगो, शाबाश। और अब क्या? अब मैंगो ने लिए हैं अंगूर और अंगूरों को भी मैंगो ने लगा दिया केलों के पीछे। और अब आ रही है स्ट्रॉबेरीज की, तो तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ रखोगे?
ये तो हमने सोचा ही नहीं था मैंगो। जरा देखो तो मैंगो ने फलों से कितना सुंदर पक्षी बनाया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पक्षी है? पीकॉक, यानी कि एक मोर। ये मोर तो कितना सुंदर है ना? और मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंगो, तुम तो कमाल के कलाकार हो। तो आज हमने बनाया एक मोर, वो भी कई सारे फलों की मदद से, जैसे कि अंगूर, गोल गोल खरबूजे, खट्टे मीठे संतरे, लाल लाल सेब, स्वादिष्ट अनानास, रस भरे तरबूज, पीले केले, हरी नाशपाती और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। तो आज हमने सीखा कि हम फलों की मदद से भी एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। बाय बाय। हे, अंतरिक्ष में बहुत मजा आ रहा है। जरा देखो तो, ये क्या चीज है? बेन और मैंगो, तुम्हें कुछ समझ आया? गोलाकार। देखो, यहाँ तो कुछ और भी है, लेकिन ये कौन सा आकार है? जरा ध्यान से देखो और सोचो। ओह, ये तो बेन के पास जा रहा है। त्रिकोण। अब ये आखिरी आकार कौन सा है? क्या किसी को पता है? मैंगो, क्या तुम्हें पता है? बोलो बोलो। ये है एक आयताकार। ओह, ये तो बहुत मजेदार है। और इन आकारों से हमने बनाया एक अंतरिक्ष यान। बहुत बढ़िया। ये। तो दोस्तों, हमने गोलाकार, त्रिकोण और आयताकार को मिलाकर बनाया एक अंतरिक्ष यान। देखा, कितना आसान था ना ये? बारिश आने वाली है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। ओह, खेलने का मन कर रहा है, तो चलो घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। पर हम क्या खेल सकते हैं? चलो कुछ डरावने मॉन्स्टर्स पेंट करते हैं। हो गया। बेन, तुमने पेंट कर लिया क्या? अरे मैंगो, तुमने तो बहुत अच्छे कलर्स किए हैं। बेन ने अपना मॉन्स्टर पूरा कर लिया। मेरा तो हो गया। अरे बेन, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। और मैंगो, वाओ, तुमने तो बहुत ही अच्छे कलर्स किए मैंगो। चलो इन्हें फ्रिज पर लगाएं। लगाओ मैंगो। बेन, तुम भी लगाओ। और अब मेरी बारी। तो हम सबकी पेंटिंग्स अब फ्रिज पर लग चुकी है। वाह, क्या बात है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना? चलो अब सोने चलें। हमारे पेंट किए हुए मॉन्स्टर्स कितने डरावने हैं ना? चलो अब इन तीनों की नींद उड़ाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं। इन्हें पेंट करने में बहुत मजा आया था। गो, बेड के नीचे कोई डरावने मॉन्स्टर्स नहीं है। चलो सो जाओ। तुम मानते क्यों नहीं मैंगो, बेड के नीचे मॉन्स्टर्स नहीं है। चलो सो जाओ। ये तो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर्स हैं, ये जिंदा हो गए। अब हम क्या करेंगे बेन? वाह बेन, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमने सीखा मॉन्स्टर्स को पेंट करना। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आओ ये पहिया घुमाएं। पता नहीं कौन सा कलर आएगा। ग्रीन, यानी हरा।
आपको इस किचन में कुछ ग्रीन दिख रहा है? ग्रीन एप्पल से भरा हुआ बोल, एक ग्रीन फोटो फ्रेम, एक ग्रीन स्पैचुला। क्या हमने सारी चीजें ढूंढ ली? हाँ, ढूंढ ली। पता नहीं अब कौन सा कलर आएगा। पिंक यानी गुलाबी। मेरे बाथरूम में कौन सी चीज पिंक है? पिंक ऑक्टोपस स्टिकर। और ये पिंक रग। शैम्पू की पिंक बॉटल। हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंगो। येलो यानी पीला। बाहर क्या क्या येलो है? येलो गिफ्ट बॉक्स, येलो विंडो। वाओ, एक येलो स्टार। ये हमने सारी येलो चीजें ढूंढ ली। चलो फिर से पहिया घुमाएं। रेड यानी लाल। इस फॉरेस्ट में क्या क्या रेड है? रेड एंट हिल यानी चींटियों का घर। एक रेड फ्लावर। रेड बटरफ्लाई। हमने सब ढूंढ लिया। वो, वो। अरे बेन, ब्लू यानी नीला। मेरे रूम में क्या ब्लू है? ब्लू टेडी बेयर। ब्लू लैम। ब्लू गिटार। ये हमने सारी ब्लू चीजें ढूंढ ली। आज हमने सीखा कलर्स के बारे में। रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। वाह, आपने कर दिखाया। अरे ये तो मैंगो है, लेकिन ये हाथ में पेंट ब्रश लेकर कहाँ जा रहा है? हेलो मैंगो। अरे मैंगो, ये देखो, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा? ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंगो, तुम्हारे पास रंग भी है और ब्रश भी। क्या तुम इस बोरिंग से अंडे में रंग भर सकते हो? अरे हाँ, शुरुआत करते हैं नीले रंग से। मैंगो ने अंडे को रंगना शुरू कर दिया और उसने इसमें रंग भरा नीला। अब मैंगो दूसरा रंग भरने लगा है और ये रंग है नारंगी। अब कौन सा रंग लोगे? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा रंग है। ये है गुलाबी। चलो अब दूसरा रंग लेते हैं और इन बाकी के गोलों में मैंगो ने भर दिया हरा रंग। अब कौन सा रंग लोगे? अच्छा, और अब बाकी के पूरे अंडे को मैंगो ने रंगना शुरू कर दिया।
वाह मैंगो, तुम तो बहुत बढ़िया कलाकार हो। और ये कर दिया मैंगो ने पीला रंग। बहुत अच्छे मैंगो, शाबाश। अरे ये क्या, लगता है ये अंडा इस डायनासोर का है। भागो मैंगो। ओहो, डायनासोर को भी रंग बिरंगा अंडा पसंद आया। अरे देखो, ये अंडा फूट गया और बाहर निकला एक नन्हा डायनासोर। अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ मैंगो, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो हमने इस बड़े से अंडे को रंगा बहुत सारे सुंदर रंगों से, जैसे हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी और पीला। और फिर ये बन गया प्यारा रंग बिरंगा अंडा। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में कुछ हरे पिग्स। एक मिनट, ये ठीक नहीं है, पिग्स होते हैं गुलाबी। ये बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ बैंगनी मुर्गियाँ। ये तो ठीक नहीं है, मैंगो इन्हें ठीक करो। नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ नीली गाय। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मैंगो सही रंग भरो। भूरा, अब ठीक है। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ लाल भेड़े। मैंगो चलो सही करो। वाह सफेद, बहुत बढ़िया मैंगो, तुमने सही किया। एनी ये यात्रा तो बहुत ही कमाल की थी। हाँ बेन, ये बहुत मजेदार थी। E-I-E-I-O। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में हमने सीखा कि पिग्स होते हैं गुलाबी, गाय होती हैं भूरी, भेड़ होती हैं सफेद और मुर्गियाँ होती हैं नारंगी। तो बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में आप सबको मजा आया ना? वाह क्या मजेदार धूप वाला दिन है बाहर खेलने के लिए। ये लो बैट बॉल। बहुत गर्मी लग रही है, पर इस गर्मी से बचने के लिए छाता और चश्मा काफी नहीं है, हमें कुछ और भी चाहिए। हाँ क्यों ना ठंडी ठंडी समर कूलर बनाए। चलो दोस्तों मजा आएगा। सबसे पहले मैंगो अपना कूलर बनाएगा। मैंगो पहले कौन सा फल लोगे? ओ मजेदार सेब, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी और रस भरा तरबूज। चलो इन्हें एक साथ ब्लेंड कर लें। ये देखो ये कितने अच्छे से मिल गए। वाह ये बन गया मैंगो का लाल कूलर। ठीक है अब मेरी बारी। मैं लूंगी एक स्वादिष्ट पपीता, एक संतरा और इसके साथ एक रस भरा खरबूजा और बस हो गया। चलो अब इन्हें अच्छी तरह मिलाएं। वाह ये बन गया मेरा नारंगी कूलर। बेन अब तुम्हारी बारी है, बताओ तुम कौन से फल चुनोगे? बेन ने सबसे पहले लिया एक केला, एक मजेदार अनानास और एक मीठा मीठा रस भरा आम। इन्हें अब अच्छी तरह मिलाओ और इनसे हमने बनाया एक पीला कूलर। तो हमारा दिन बन गया रंगों और स्वाद से भरा हुआ। ठंडे ठंडे कूलर के साथ गर्मियों का लो मजा, खेलो कूदो खूब, क्योंकि ये धूप से लेंगे तुमको बचा। हाँ देखो मेरी सारी थकान दूर हो गई। आज हमने सीखा कि सेब, तरबूज और स्ट्रॉबेरी होती हैं लाल, आम, केला और अनानास होते हैं पीले, संतरे, पपीते
और खरबूजों का रंग होता है नारंगी। तो देखा दोस्तों, आज कितना मजा आया। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले सेब। ये तो ठीक नहीं है, सेब होते हैं लाल। ये बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से नीले केले। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, केले होते हैं पीले। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से बैंगनी संतरे। एक मिनट, ये सही नहीं है, संतरे होते हैं नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से गुलाबी नाशपाती। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, नाशपाती होते हैं हरे। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थे उसके खेत में बहुत से सफेद ब्लूबेरीज। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ब्लूबेरीज होते हैं नीले। तो आज हमने सीखे कलर्स, रेड येलो ऑरेंज ग्रीन ब्लू। तो आज हमने सीखा लाल सेब के बारे में, नीले केले के बारे में, नारंगी संतरे के बारे में, हरे नाशपाती और नीले ब्लूबेरीज के बारे में। ये आपने कर दिखाया। मैंगो को पहुंचना है गोल्डन बनाना तक। पहले उसे गुजरना होगा जादुई पेड़ से, फिर उसे पार करनी होगी शेप्स वाली दीवार, और फिर गुजरना होगा रेनबो रॉक से। मैंगो को यहाँ इकट्ठे करने होंगे 3 फ्रूट्स। ये 1 2 3। ये अगला पड़ाव है शेप्स वाली दीवार। इन्हें भरना है सही शेप्स में। मैंगो को सही शेप ढूंढकर दीवार की खाली जगह को भरना है। सर्कल यानी गोलाकार, पर ये यहाँ नहीं आ पाएगा। स्क्वायर यानी चौकोर, ये भी यहाँ नहीं आ पाएगा। चलो चलो मैंगो, दिमाग लगाओ। हाँ, ये तो लग गया। अगला पड़ाव है रेनबो रॉक। रेनबो में कलर भरने हैं। मैंगो को रेनबो में कलर्स भरने होंगे, वो भी सही ऑर्डर में। रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, इंडिगो यानी गहरा नीला, वायलेट यानी बैंगनी। शाबाश मैंगो, तुमने कमाल कर दिया। चलो अपने इनाम वाला बनाना ले लो। ये थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमने सीखे नंबर्स 1, 2, 3 और शेप्स ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, और सीखा रेनबो के कलर्स के बारे में। एक जानवर है जो रहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पहाड़ों के निचले जंगलों में। ये एक दिन में 18 किलो खाना खा सकता है।
ये अपनी छाती जोर जोर से पीटता है अपने दुश्मनों को डराने के लिए। इसे अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसलिए ये झुंड में रहता है। तो सोचो जरा, क्या नाम है इस जानवर का? ठीक पहचाना, गुरिल्ला यानी वन मानुष। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में। इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं, जिससे इसे ऊंचा कूदने में मदद मिलती है और इसकी मजबूत पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके पेट में एक थैली होती है अपने बच्चे को रखने के लिए। ये तो नन्हा जोई है। कैसे हो जोई? तो बताइए ये कौन सा जानवर है? सही पहचाना, कंगारू। ये रहता है सवाना जंगल में। ये सूंघ कर ही आने वाले खतरे का पता लगा सकता है। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकता है। इन्हें कीचड़ में खेलकर खुद को ठंडा रखना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन है ये जानवर? देखो देखो, ध्यान से देखो। बिल्कुल सही, गेंडा। आज हमने सीखा गेंडे के बारे में, कंगारू के बारे में और गुरिल्ला यानी वन मानुष के बारे में। उम्मीद है आज आपको मजा आया होगा। आज हमने एनी और वेल्थ की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।